दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। साथ में जो आप ये देख सकते हैं, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो है ये आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ मेस हेल्पर ग्रुप सी ग्रुप डी, और यहाँ पे देख लीजिए लैब अटेंडेंट की भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, इसके बाद यहाँ पर जो है जूनियर असिस्टेंट की है, यहाँ पर जो पोस्ट संख्या, ये सब परमानेंट नौकरियाँ हैं। ये स्टेनोग्राफर हो गया है ना, लीगल असिस्टेंट हो गया, ये सब जो है सरकारी नौकरी निकाली गई हैं नवोदय विद्यालय की तरफ से, ठीक है। इसको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, यहाँ पे देख लीजिए ये ग्रुप बी की पोस्ट है। और यहाँ पे जो है फीमेल स्टाफ नर्स की यहाँ पे भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। तो करना क्या है, फॉर्म वगैरह कैसे भरना मैं आपको बताऊँगा। ये कल का ये नोटिस है, मैं आपको दिखा दूँगा, यहाँ पर जो है कल जारी कर दिया गया, इसको जो 15 तारीख का नोटिस है ये, और जो कल ही इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था। यहाँ पर जो है ये आपका नॉन टीचिंग की पोस्ट के लिए जब विज्ञापन जारी कर दिया गया है, मेल फीमेल है ना कोई भी अप्लाई कर सकता है इसमें जो है ये, और हेडक्वार्टर से इसको जो है वो जारी कर देगा। पोस्ट का नाम एक बार यहाँ पे देख लीजिए, सब नाम यहाँ पे पोस्ट के दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सुपरवाइजर है, यहाँ पर सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप सभी जानते हैं नवोदय विद्यालय हर शहर में होता है ना, बताने की जरूरत नहीं इसके बारे में। और यहाँ पर जो है वैकेंसी की संख्या यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर जो है ये कितने कितने, ठीक है। इसके बारे में सुबह के वीडियो में बताया था तो बहुत कम लोगों ने वीडियो देखा, लास्ट में बताया था मैंने, तो लास्ट में कम देखते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया, लैब असिस्ट है ना, लैब अटेंडेंट हो गया, ये सब पूरी वैकेंसी यहाँ पर जो है वो जारी हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर सैलरी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है ये। और हाँ, तो यहाँ पर जो www.navodayvidyalayasamiti.gov.in पर जाके जाला फॉर्म आप ये जो है वो भर सकते हैं। लैब अटेंडेंट के लिए केवल 10th क्लास पास आपने कर रखा है तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो 12th आपने साइंस हो अगर कोई से भी, तब भी आप इसके अंदर फॉर्म डाल सकते हैं यहाँ पर जो है ये। और वह यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है, प्रोसेस सर्वर की है, प्योन की है, अर्दली की है। यहाँ पर देख लीजिए जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको और भी वीडियो में दिया था, प्रोसेस सर्वर है, यहाँ पर देख लीजिए प्योन है, अर्दली है, डाक प्योन है, यहाँ पर देख लीजिए ये पूरा ब्यूरो यहाँ पर दे दिया गया। और पदों की संख्या यहाँ पर दे रखी 102 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। यहाँ पर जो ये 18 अप्रैल 2024 इसमें अंतिम तिथि है, और ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाके याला फॉर्म जो आप ये वो भर सकते हैं, निःशुल्क फॉर्म है ये, है ना। तो यहाँ पर याला फॉर्म भर दीजिए, दिल्ली में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया है। साथ में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए खुशखबरी क्या है, यहाँ पे देख लीजिए सैलरी के बारे में दे दिया है। यहाँ उत्तर प्रदेश के सभी जो हैं संविदा और मतलब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जो होली के चलते जो है इस बार जो है 20 मार्च को जो है मानदेय दे दिया जाएगा, ठीक है। पहले इसको जो है मानदेय इशू कर देंगे और यहाँ पर सबका सैलरी यहाँ पर संविदा वालों का आ जाएगा। आपकी खुशखबरी वाली बात आ गई यहाँ पर जो है ये। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।